नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की जीरो लेवल की क्लास, जिसमें आप देखेंगे प्रतिशतता का निचोड़। प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे हल करते हैं प्रतिशतता के सवाल, आपके कंपटीशन के एग्जाम, बाकी के आपके वनडे एग्जाम, जो भी आपकी परीक्षाएं होती हैं आपकी लाइफ में, प्रतिदिन दैनिक जीवन में आप प्रतिशतता का प्रयोग करते हैं। आपके पास 50,000 रुपये थे, जिसमें आपने 5,000 खर्चा कर दिए। अब आपसे कोई पूछे कि आपने कितने प्रतिशत पैसे खर्चा कर दिए, या फिर आपने 50,000 में से 3,000 सेव करने का प्लान बनाया कि मैं 3,000 बचत खाते में रखूंगा। अब आप बताइए कि फिर आप कितना प्रतिशत बचा रहे हैं, ये सभी सवाल आप बताएंगे खुद। हमारे साथ आप बने रहेंगे तो ये सब आप करना खुद सीख जाएंगे, आपको कुछ भी बताना नहीं होगा, आप मास्टर बन जाएंगे बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। बुलंद हो हौसले तो मुट्ठी में मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है, हो अगर जिंदा तो ताकत रखो बाजुओं में, लहरों के खिलाफ चलने का दौड़ने का, लहरों के साथ बह जाना तो लाशों का काम है। ये क्लास सुबह 5 बजे से होती थी, काफी लोगों को बहुत मुश्किल होती थी, मुसीबत आती थी कि सुबह 5 बजे ठंडी में कौन उठे दिमाग खराब करे फालतू तो मेरा जाई छोड़े। और हमने सर्वे किया आप सभी लगभग 35,000 लोगों पर, सबके लगभग में रिस्पांस आया कि शाम को क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि शाम को जब लोग सोते हैं ना, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वो पटना बिहार एमपी हो, तो सुबह उठते हैं कितना बजे, 7-8 बजे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जल्दी भी उठते हैं, लेकिन सुबह उठना बहुत कम लोग पसंद करते हैं, वैसे तो ठंडी में। तो हमने सोचा चलिए ठीक है आपको शाम को ही क्लास देते हैं, तो शाम के टाइम आप देखिए जैसा आप चाहते हैं वैसा हम आपको दिखाएंगे। एक बात ध्यान रहे, अगर आप जीरो लेवल की हर एक क्लास को करना चाहते हैं तो आप क्लास को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए प्रतिशतता, जिसे बोलते हैं प्रतिशत, है ना, प्रतिशत। प्रतिशत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो आप जानते हैं ये हो जाएगा प्रति और सत। प्रतिशत मतलब कि 100 में कितना, 100 में कितना। जैसे अगर आपको कहा जाए कि भाई 100 रुपया था और 100 में से 10 रुपया उसने क्या किया, खर्चा कर दिया, है ना, 10 क्या किया, खर्चा कर दिया। अब उसके पास कितना बचा, 90 रुपया बचा, तो उसने कितना प्रतिशत खर्चा किया, उसने 10% खर्चा किया। कितना किया, 10%, मतलब 100 में से कितना खर्चा कर रहा है, या फिर 100 में से कितना वो क्या कर रहा है, वही प्रतिशत होता है। मतलब समझ रहे ना, अगर 100 में से 10 रुपया खर्चा किया तो 10% खर्चा किया, लेकिन अगर कहा जाए कि 200 रुपया में से क्या, 200 में से उतने कितना खर्चा किया, 20 रुपया खर्चा किया। अब बताइए कितना प्रतिशत खर्चा किया, आप भी 10% खर्चा किया। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई 200 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 100, है ना, 100 प्लस 100, इसमें से 10 खर्चा किया था तो 90 आया था, आपने देखा था 10% हुआ था, तो दूसरा वाला 100 से तो भी 10 ही खर्चा किया ना, ये भी कितना आया, 90 आया, इसका मतलब कितना खर्चा किया उसने, 10% इसमें से, 10 इसमें से, तो 20% नहीं होगा, 10% उसने अभी भी खर्चा किया है, मतलब समझिएगा। तो ये होता है प्रतिशत का वास्तविक मतलब, अगर आप गौर करेंगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, मतलब समझ रहे ना। तो देखिए प्रतिशत का रियल में मतलब क्या होता है, हम उसी पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत से कैसे 10 अमलों भिन्न में बदलते हैं, मतलब प्रतिशत की बीमारी अगर लगी हो तो कैसे हटाते हैं, यानी कि प्रतिशत का चिन्ह। तो याद रखे, ध्यान से देखिएगा और लिख लीजिएगा 2 पॉइंट, प्रतिशत का चिन्ह। देखिए हम लिख के जब हटेंगे, ये हाथ हटाएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा, जब तक लिखते हैं हो सकता थोड़ा कम दिखे, क्योंकि हमारे पास कैमरा की क्वालिटी अभी थोड़ी गड़बड़ है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से इसे हम जल्दी ही सुधार करेंगे। एक बात और ध्यान रहे, आप पढ़ाने का तरीका समझिएगा, वीडियो की क्वालिटी पर मत जाइएगा, क्वालिटी हम आपको जल्दी से जल्दी से सुधार के दिखाएंगे बिल्कुल 100% HD में। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए बातों को सुनिएगा, अच्छा नहीं दिखेगा तो ठीक है, हटाने के लिए 100 से भाग किया जाता है, क्या किया जाता है, भाग किया जाता है। दूसरा नंबर इसमें का नोट क्या है, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से
गुणा किया जाता है, समझ गए ना। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। बात समझ में आई ना, समझ में आई ना। तो यहां में करना क्या है, प्रतिशत का चिन्ह हमें क्या करना है, लगा है ना, यहाँ पे लिखा है 5% का दशमलव भिन्न में मान कितना होगा, हमें प्रतिशत हटाना है। तो हटाना है तो सिंपल में 5 को ऐसे लिख लो भाई और 100 से इसको दे दो भाग। तो आप जानते हैं 5 एकम 5 और 5 दूना 10 मतलब आ गया 1/20। देखिए ये ऐसे अगर लिखा है तो आप इसे 1/20 लिख सकते हैं ऑप्शन है तो, अगर नहीं ऑप्शन है तो इसे आप कुछ इस तरह से दशमलव में भी लिख सकते हैं 0.005 वगैरह, समझ रहे ना। क्या लिख सकते हैं इसको 0.05 भी लिख सकते हैं दशमलव में, लेकिन मतलब समझिएगा जैसे आपके पास ऑप्शन होगा वैसे आप करेंगे। हमारा ऑप्शन 1/20 के रूप में दिया है तो हम इसके आगे इसको पॉइंट में नहीं करेंगे, ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए ना। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये पहली लाइन के लिए सही हुआ, प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, हटाने के लिए। अब लगाने के लिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, 5 को प्रतिशत में बदलिए, 5 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। तो 5 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 में प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगाना, प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखा है, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। तो आप 5 में 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, 500%, समझ गए ना। 5 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 500% हो जाएगा, और अगर 5% को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 यानी 0.005। क्लियर ना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो अपनी संकोच पूछ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहीं भी अगर आपको प्रतिशत निकालना है या प्रतिशत हटाना है तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ना। कहते हैं अगर बेस जितना मजबूत होगा ना मकान उतना ही अच्छा बनता है, तो बेस मजबूत करने के लिए पीबीआर स्टडी के सिवा हमारे समझ से आपके पास और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1.4% को क्या करिए, दशमलव भिन्न में बदलिए, दशमलव भिन्न में बदलिए, क्या करना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है। हटाना है इसका मतलब क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे ना, 100 से भाग करेंगे हटाने के लिए ना। इसमें हम आपको ऑप्शन दे दें तो आप लोग ऑप्शन लिख लीजिएगा फटाफट जल्दी से और तुरंत लिखिएगा। पहला ऑप्शन इसका जो है दशमलव भिन्न में इसका मान होगा जब आप निकालेंगे तो पहला ऑप्शन होगा 1/1000, दूसरा ऑप्शन 1/1400, तीसरा ऑप्शन होगा 1.43, डी वाला ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। देखिए रियल में बात क्या है, ये 1.4 है ना, इसमें दो बीमारी है, एक तो प्रतिशत का चिन्ह लगा है, दूसरा दशमलव लगा है। तो हम एक एक बीमारी को दूर करते हैं, पहले हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग जानते हैं 100 से भाग करेंगे, है ना, हटा दिया। दशमलव भी लगा रहने दीजिए, मत हटाइए। अब हम दशमलव हटाएंगे दूसरे स्टेप में, और आप जानते हैं ऊपर एक अंक पर दशमलव हो तो नीचे क्या होता है, 1 0 और बढ़ जाता है ना, यही पढ़ा है ना। अगर नहीं समझा कैसे होता है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है, यहाँ पे देखिएगा वहां बाद में लिखेंगे। अगर 1.4 है, दशमलव हटाना है तो एक अंक पर दशमलव है तो ऊपर और नीचे क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है 140 और ये 10, मतलब समझिएगा, एक अंक पर दशमलव था, यहाँ पर एक अंक पर दशमलव हो जाता है तो ये 14/ क्या जाता है आपका, 10 आ जाता है, मतलब समझ गए ना। तो वैसे क्या होगा, 14/10 यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100 था ना तो 100 का गुणा भी तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 14 और नीचे हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा, 1030। और जब आप भाग करेंगे 14 से 1000 में तो आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरह से 0.014, है ना, 0.014। अगर इसे आप काटना चाहें तो ये कटेगा 2 × 7 = 14 और यह जाएगा 500 यानी कि 7/500 आपका आएगा,
क्या आएगा, 7/500। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज आपका सही होगा। मतलब समझ गए ना, ये तो थोड़ा हाई क्वालिटी का सवाल हो गया। आप सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट करें। 24 घंटे हम और हमारी टीम आपके लिए तत्पर है और हम आपको मैथ सिखाने की संपूर्ण गारंटी लेते हैं, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो। ये नंबर 9793488448, इस नंबर पर join लिख करके WhatsApp में भेजें या फिर आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने PVR स्टडी को Facebook पर नहीं ज्वाइन किया, Facebook पर नहीं लाइक किया तो तुरंत लाइक करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। इसके अलावा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर फॉलो करना ना भूलें। इतना ही नहीं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मैथ आसान है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। PVR स्टडी का एक उगता और एक जागता हुआ चैनल अभी ग्रो हो रहा है, मैथ आसान है। जी हाँ बिल्कुल, मैथ आसान है। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मैथ आसान हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये जीरो लेवल की क्लास को कंटिन्यू देखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे कल आपने देखा था त्रिकोणमिति का भाग, आज आपने प्रतिशतता देख लिया, कल आप लाभानि देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सभी क्लास पार्ट टू पार्ट होती है एक सीरियल से, लेकिन उसको देखने के लिए आपको क्लास को ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको 9793488448 पर join ज्वाइन लिखकर WhatsApp पर मैसेज करना होगा या फिर आप इस नंबर पर फोन कॉल भी कर सकते हैं 24 घंटे सातों दिन कभी भी कहीं भी। क्लास को ज्वाइन करने के बाद पीछे चल चुकी क्लास, आने वाली क्लास, PDF फाइल, लाइव टेस्ट, अदर सब्जेक्ट की लाइव टेस्ट क्लास और लाइव क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। उसके अलावा 50,000 लोगों के बीच में जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो आपके सवालों का जवाब सबसे पहले दिया जाएगा, ये पेड वालों को वरीयता मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार दुवंशी फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। PVR स्टडी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों मित्रों फैमिली सभी को PVR स्टडी में ज्वाइन कराएं, सब्सक्राइब कराएं। धन्यवाद।